हेलो जी प्रणाम ओम बोलिए बहन जी। हम बठिंडा पंजाब से बोल रहे हैं। जी। बोलो। मुझे पेट की समस्या है, पेट पेट की में समस्या। गैस, पेट में गैस बन। चलो, पेट में गैस बनती है, यद्यपि कहने को एक छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन पेट में गैस बनने से बहुत आदमी परेशान रहता है। सामान्य रूप से तो मैं कहूँगा गैस और चून ले लो थोड़ा, तो उससे गैस कम हो जाती है। लगातार यदि आपको पेट में गैस बनती है तो कुमारियासव चार चार चम्मच खाने के बाद पी लिया करो। चार चार चम्मच कुमारियासव ले लिया और थोड़ा उसमें पानी मिला दिया, पेट एकदम अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगी। यदि आंतों में सूजन है तो कुमारियासव नहीं लेना, फिर पुनर्नवारिष्ट ले लेना। और पेट को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा है आप सुबह गाजर और चुकंदर, इनको उबाल करके खाली पेट यही लो, और अनार, गाजर चुकंदर अनार, ये कुछ दिन प्रयोग कर लीजिए, आपका पेट इतना, और कुछ नहीं लेना है। कभी ये नहीं कि ये तो औषधि होगी, गाजर चुकंदर अनार, और फिर ऊपर से पराठा भी ठोक लिए, ऊपर से दलिया भी खा लिया, ओट्स भी खा लिया, और बहुत कुछ नहीं, ये नहीं। गाजर चुकंदर अनार कुछ दिन लगातार लीजिए। सुबह उठते ही जो गेहूं का पानी हम बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, आंवला एलोवेरा भी ले सकते हैं। और कब्ज रहता है तो रात को त्रिफला चूर्ण या उदरकल्प चूर्ण या हरितकी चूर्ण या शुद्धि चूर्ण या जो आपके लिए अनुकूलता लगे वो थोड़ा सा ले लीजिए। सनाए वाला चूर्ण जो है लंबे समय तक मत खाइए, उससे आंतें खराब हो जाती हैं। तो ये पेट के साथ साथ मैंने पूरा इंडाइजेशन माने गैस के साथ साथ पूरा जो अपचन है, मंदाग्नि है, उसके लिए भी उपाय बता दिया है। वैसे जिनको बार बार दस्त जाना पड़ता है उनके लिए तो फिर कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, बिलवादी चूर्ण वो अलग है, कब्ज के लिए अलग, लेकिन टोटलिटी में पेट को ठीक रखने के लिए मैंने कुछ उपाय आपको बताए। खाली हाँ, जब भी खाना खाएं सलाद और फल पहले खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध लें थोड़ा, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करें। एक बार में ज़्यादा ना खाएं, खाते समय ज़्यादा बात ना करें, हो सके तो मौन रहें, और अन्न को ब्रह्म का स्वरूप मान करके अन्नम ब्रह्मेति वेजानात। बहुत ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका बहुत गहरा असर हमारी ज़िंदगी पर होता है।